दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को और मोहम्मद सिराज को घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रफ्तार के बादशाह उमरान ने तोड़ी बांग्लादेश की कमर, तो सिराज के साथ सुंदर ने मचाई ऐसी तबाही कि घुटने टेकने पर मजबूर हो गया घमंड में चूर बांग्ला टाइगर्स। बदले के मुकाबले में भारतीय टीम ने की तगड़ी वापसी, तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों ने भारतीय टीम को पहुंचाया जीत की दहलीज तक, और क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक में बेहतर गेंदबाज कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के सामने जीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं मौजूद था। हमें किसी भी कीमत पर चाहिए थी तो सिर्फ जीत, और ढाका के मैदान पर जब सिक्का उछला तो एक बार फिर से रोहित शर्मा की किस्मत खराब रही और बांग्लादेश के कप्तान लिंटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पर दोस्तों, आपको बता दें कि यह फैसला कितना भारी पड़ने वाला था इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को भी बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से अनामुल हक के साथ लिंटन दास की जोड़ी मैदान पर उतरती है, और पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज और बल्लेबाजी कर रहे थे अनामुल हक। उन्होंने सिराज की पहली दो गेंदों पर ही दो खतरनाक चौके लगाकर अपने आक्रामक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए, और ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने बल्ले से कहर बरपा देंगे। पर ओवर की पांचवी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इतनी घातक गेंद डाली कि बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया, और इससे पहले कि अनामुल हक कुछ समझ पाते गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी, और जिस पर अपील करने पर एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया, और इस विकेट पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता था। लेकिन सबसे अधिक मोहम्मद सिराज का जश्न देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने इस खिलाड़ी के साथ साथ पूरे बांग्लादेश की बोलती बंद कर दी थी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाए, और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। अनामुल ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। दोस्तों, लिंटन दास का साथ निभाने के लिए संतो मैदान में उतरते हैं। उन्होंने भी उतरते ही सीधे चौकों से डील करना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक तीन खतरनाक चौकों के झड़ी लगा दी। अब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आज सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं, या तो आर या तो पार, और अपनी इसी अग्रेशन में आकर वो मोहम्मद सिराज से उलझ गए। अब दरअसल दोस्तों, जब दोबारा मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे तो उस दरमियान बल्लेबाजी करने वाले हुसैन संतो ने मोहम्मद सिराज को उकसाया। जी हाँ, उन्होंने सिराज की स्लेजिंग कर दी, और ये बात तेज गेंदबाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद फिर क्या था, उन्होंने पहले तो हुसैन संतों को घूरा, और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हीं के अंदाज में स्लेजिंग करते हुए बता दिया कि चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने इसी ओवर में उनके साथ ही खिलाड़ी लिंटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी बल्लेबाज की कमर तोड़ दी, और जिसके बाद बांग्लादेशी खेमा सहम उठा, और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके दो बड़े विकेट चटका दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 47 रन बनाए, और उनके दो सबसे बड़े विकेट पवेलियन में थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे शाकिब अल हसन। बांग्लादेश मुसीबतों में थी और वो यहां से संभलना चाहते थे। अब उमरान मलिक पारी के 12वां ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, और अपनी दूसरी ही गेंद पर इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं कि वो सीधा शाकिब अल हसन के कंधे पर जाकर गेंद लगती है, और उस पर वो पूरी तरह से अचंभित रह जाते हैं और अपनी जगह बैठ जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि शाकिब चोटिल हो गए हैं, हालांकि बहुत जल्द बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए, लेकिन दोस्तों, उमरान की तूफानी रफ्तार के आगे शाकिब अल हसन के तो होश उड़ गए थे। वो किसी तरह से अपने शरीर को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे, और इस ओवर में कई बार गेंद उनके शरीर पर जाकर लगी, तो बल्ले का तो गेंद से मिलाप ही नहीं हो पा रहा था। पर दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर कुछ ऐसा ही हुआ, जी हाँ, जिसने कि पूरे के पूरे स्टेडियम का दिल दहला दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उमरान मलिक की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जानलेवा बाउंसर सीधा शाकिब अल हसन के हेलमेट पर जा लगी। अब वो बल्लेबाज तो सहम गया था, और उनकी हालत खराब होने लगी थी। आनन फानन में फिजियो को मैदान पर आना पड़ा, और सभी हर कोई हैरान था, पर बहुत जल्द सभी की जान में जान आई, क्योंकि शाकिब ने दोबारा बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, उमरान का कहर यहीं पर नहीं थमा, और अगले ओवर में उन्होंने पहली ही गेंद इतनी खतरनाक डाली कि संतो कुछ समझ नहीं पाए, और उससे पहले ही गेंद ने उनके तीनों विकेट उड़ा दिए।
जी हाँ, उमरान ने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संतों को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। अब महज 52 रनों पर बांग्लादेश के तीन सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उन्होंने 35 गेंदों पर 21 रन बनाए थे और दोस्तों भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया था। अब उनकी आखिरी उम्मीद बनकर बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन मैदान में मौजूद थे, जिनका साथ निभाने आए मुशफिकुर रहीम। अब दोस्तों आज पूरे स्टेडियम में भारत 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 बस यही गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में बड़ी आसानी से शिकंजा कस लेगी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के होते हुए ये इतना आसान नहीं लग रहा था। कुछ ऐसी ही उम्मीद बांग्लादेश के फैंस को भी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज ये तो आज कुछ अलग ही सोचकर आए थे। बदले के इस मुकाबले में उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा कर रख दी और अब तक तो तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे और अब बारी थी स्पिनर्स को अपना जलवा बिखेरने की और इसका दारोमदार अपने कंधे पर उठाया वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शाकिब अल हसन को अपने जाल में फंसा लिया और शिखर धवन ने उनका एक आसान सा कैच लपक कर बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमर तोड़ कर रख दी। अब आपको बता दें कि सबसे बड़े खिलाड़ी 20 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो सुंदर ने दिखाया अपने अगले ओवर में। जी हाँ, आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर में सुंदर ने एक के बाद एक दो सफलताएं हासिल कर भारत के लिए इस मुकाबले में जीत सुनिश्चित कर दी। जी हाँ, उनका पहला शिकार बने मुशफिकुर रहीम। उन्होंने दो चौके लगाकर अपनी टीम को संभालना चाहा, लेकिन सुंदर के आगे ये ज्यादा देर टिक नहीं पाए और एक बार फिर हमें शाकिब के विकेट की हाईलाइट देखने को मिली, जहां सुंदर की गेंद पर धवन ने कैच लेकर मुशफिकुर को पवेलियन भेज दिया। दोस्तों 24 गेंद पर 12 रन बनाकर मुशफिकुर आउट हो गए तो फिर बल्लेबाजी करने आए आफीफ हुसैन ने अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और सुंदर की घातक गेंद ने उनके तीनों विकेट उड़ा दिए और इसी के साथ ही बांग्लादेश की टीम ने महज 69 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए और भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत आगे निकल गई। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम तीसरे वनडे मैच में जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मलिक ने डाली सबसे खतरनाक गेंद तो उड़ गए सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबले में मलिक ने ऐसी तीव्र गति की गेंद डाली जिसके सामने बल्लेबाज ने घुटने टेक दिए। आखिरकार इस गेंद में ऐसा क्या था जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस गेंद का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज, इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे मुकाबले में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए तो वहीं मलिक ने एक ऐसी घातक गेंद डाल दी कि जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल मलिक ने अपने पहले ही ओवर में शाकिब अल हसन को बाउंसर डालकर उन्हें कई बार घायल किया तो वहीं अपने दूसरे ओवर यानी कि पारी के 14वें ओवर में पहली ही गेंद पर संतों को खतरनाक रफ्तार से गेंद डाल दी और क्लीन बोल्ड कर दिया। दरअसल ये गेंद उमरान मलिक के द्वारा 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई थी और इस पर बल्लेबाज चारों खाने चित हो गया और बिखेर दिए विकेट और 21 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौटा दिया। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइव मैच में हुई भयंकर लड़ाइयां, अनामुल हक ने की सिराज से उलझने की गलती तो बल्लेबाज संतो ने की ऐसी शर्मनाक हरकत की गुस्से से आग बबूला, सिराज ने तोड़ दी बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर। जी हां, तो क्या हुआ हाई वोल्टेज ड्रामे में जिसे देखकर विराट कोहली से लेकर हजारों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई और सिराज का मुंह तोड़ जवाब सब कुछ यहां पर हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ रहा वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरे वनडे मैच का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है और इस मैच में भी टॉस बांग्लादेश ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पर दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज मैच शुरू होते ही बांग्लादेशी बल्लेबाज अनामुल हक गेंदबाज मोहम्मद सिराज से भिड़ गए। दरअसल ये वाकया है पारी के दूसरे ओवर का, गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज और बल्लेबाजी कर रहे थे अनामुल हक। उन्होंने सिराज की पहली 2 गेंदों पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने आक्रामक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए, लेकिन दोस्तों 2 चौके लगाने के बाद वो मोहम्मद सिराज से उलझ गए और अपने घमंड में चूर होकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने
इस गेंदबाज के साथ साथ हर एक भारतीय का खून खौला दिया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि सिराज और अनामुल हक के बीच में तनातनी और आगे बढ़ सकती है और यहां तक कि एम्पायर्स को बीच बचाव के लिए आना पड़ेगा। हालांकि सिराज ने मुंह से कुछ नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन से जवाब देना सही समझा। आपको बता दें कि ओवर की पांचवी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इतनी खतरनाक गेंद डाली कि बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया और इससे पहले कि अनामुल कुछ समझ पाते गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी और जिस पर अपील करने पर एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया और इस विकेट पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता था। लेकिन सबसे अधिक मोहम्मद सिराज का जश्न देखने लायक था क्योंकि इन्होंने इस खिलाड़ी के साथ साथ पूरे बांग्लादेश की बोलती बंद कर दी थी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाया और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बांग्लादेशी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आपको बता दें दरअसल दोबारा मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उस दरमियान बल्लेबाजी करने वाले हुसैन संतो ने मोहम्मद सिराज को उकसाया। जी हां, उन्होंने सिराज की स्लैचिंग कर दी और ये बात तेज गेंदबाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके बाद फिर क्या था, उन्होंने पहले तो हुसैन संतो को घूरा और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हीं के अंदाज में स्लैचिंग करते हुए बताया कि वो चुप रहने वाले नहीं है। उन्होंने इसी ओवर में उनके साथी खिलाड़ी लिंटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी बल्लेबाज की कमर तोड़ दी और जिससे बांग्लादेशी खेमा सहम उठा और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके दो बड़े विकेट चटका दिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करवाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।